हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। कैसे आप सभी गाइस? तो आज मेरा वैभव लक्ष्मी का फास्ट भी है, तो लक्ष्मी माँ आप सब पे कृपा बरसाती रहें। और गाइस, आज हर रोज़ की सुबह की तरह आज की शुरुआत भी मेरी किचन से हो रही है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सबसे पहले चाय और आलू फ्राई कर रही थी, यहाँ पे आलू की भुजिया और रोटी बनाने वाली हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने आटा लगाया और मेरे बेटे को आलू की भुजिया और रोटी बहुत ही अच्छा लगता है, तो आज मैं उसे लंच बॉक्स में वही देने वाली हूँ। और मेरे हस्बैंड जी के लिए भी यही बनाने वाली हूँ टिफ़न, उनको भी आलू की भुजिया बहुत पसंद है। सो बना लेते हैं, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हाँ, कमेंट ज़रूर करिए। सो मैंने रोटी बनाने शुरू कर दी है क्योंकि मेरे बेटे को बड़ी जल्दी रहती है गैस, और उसको ना 10 मिनट पहले स्कूल जाना रहता है। तो यहाँ और देखिएगा, इस साइड में मैंने करेला काट के रखा है क्योंकि हरी सब्जी भी बनानी है। आलू की सब्जी बनती है, हरी सब्जी हमारे घर जरूर बनती है। मुझे हरी सब्जी बहुत पसंद है। किस किस को हरी सब्जी पसंद है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, देखिए तुलसी ले रही हूँ मैं। कैसे दिए अंकल तुलसी? हाँ, 20 के निकालना। कौन सी तुलसी है? यही श्याम तुलसी है कि राम? श्याम, श्याम राम ये रहे। कौन सी अच्छी होती है? कौन सी अच्छी होती है? श्याम तुलसी अच्छी है। श्याम। तो गाइस, तुलसी जी को लगवाना है तो मैं जा रही हूँ ऊपर गमले ले आने और उसमें लगवाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत दिन से तुलसी जी है नहीं, सूख गई है हमारी तुलसी जी। और मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी कि तुलसी वाले आएंगे तो मैं लगवाऊंगी। तो आज अच्छा दिन है, शुक्रवार का दिन है। मैं आ गई हूँ छत पे गाइस, और यहाँ पे ये देखिए मेरे सारे गमले खाली खाली पड़े हैं। ये देखिए, लेके चलते हैं, गमले लेके जा रहे हैं नीचे और इसमें लगवाएंगे तुलसी, क्योंकि भैया जो है ना खाद वाद डाल के लगा देंगे तो अच्छे से लग जाएगी हमारी तुलसी। गाइस, मैंने पौधे वाले भैया को ऊपर ही बुला लिया क्योंकि ये गमला जो है मैं ले जा रही थी टूट गया रास्ते में ही, तो बोला आ जाओ ऊपर क्योंकि केला भी लगवाना है, तो भैया ऊपर आ रहे हैं। देखिए, मुझे लगा था कि मेरा केला सूख गया है पर ये निकल रहा है। भैया से मैंने केला मंगवा दिया था, सॉरी। तुलसी जी लगा दीजिए, इसमें लगाइए वाले बाल्टी में। तो यहाँ पे अंकल लेके आ गए तुलसी जी, लगा देंगे। पता है तुलसी हमेशा सूख जा रही हमारी, मिट्टी और लगेगी क्या उसमें? यहाँ पे अंकल जी लगा रहे हैं गाइस। अंकल जी इसमें दवाई वगैरह सब डाल रहे हैं, खाद वगैरह। और ये गाइस, खाद वगैरह डाल दो ना तो अच्छे से लग जाता है, इसलिए मैंने बोला अंकल जी आप ही लगा दो क्योंकि हम अच्छे से नहीं लगा पाते हैं। तो यहाँ पे अंकल जी खाद वगैरह डाल दिए। हमारी तुलसी जी लग गई हैं और हम बहुत खुश हैं। आज हमारे घर तुलसी जी आई हैं और आज हमारा फास्ट भी है। अंकल जी के नीचे पैसे दे देती हूँ और इसके बाद आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। तुलसी लगाने के बाद गाइस, मैंने अपने डांस के रिहर्सल कर लिया क्योंकि मुझे रील्स के लिए डांस बनाने, मतलब डांस करना रहता है, तो थोड़े से प्रैक्टिस कर लिया। तो मैंने आपको ब्लॉग में दिखा दिया है और इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो ये गाना मैं सीखी थी और उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। और आप लोग बताइए मैं कैसा रील्स बनाती हूँ, कैसे वीडियोस बनाती हूँ। और यहाँ पे नहाने जाने से पहले मैंने अपने बेडशीट सही किए। और ये देखिए गाइस, मैं गर्मी में भी ब्लैंकेट फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि हमारे जो हस्बैंड और बच्चे हैं ना, उनको बहुत ठंडी लगती है। मैं तो एसी में भी वैसे ही सोती हूँ, बट इन लोग को कंबल ज़रूर चाहिए होता है क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है गाइस, आप लोग समझ सकते हैं ना। मेरे हस्बैंड और बाबू को बहुत ठंड लगती है
और आप लोग को भी ऐसी में ठंड लगती है क्या? और इसके बाद मैंने मेरा फास्ट था, तो आज शुक्रवार का दिन है, तो आप लोग को पता ही है मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, इसके बाद नहाती हूँ, तो मैं नहाने जाऊँगी, तो उसके पहले मैंने बेडशीट चेंज की। गाइज मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि मैं नहाने जाती हूँ तो उसके पहले मैं दही बेसन तो डेली लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में दही और बेसन ली हूँ। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ दही और बेसन से भी फेशियल होता है, तो मैं ऐसे चेहरे पे रब करूँगी 10 से 15 मिनट तक, और ये फेशियल का टक्कर देता है। तो जिनके पास फेशियल क्रीम लाने की कैपेसिटी नहीं होती, वो 10 रुपए के दही ले आके भी अपने फेशियल लुक ले सकता है, चेहरे पे ग्लो ला सकता है। तो ये देखिए, और जो धूप से जल के हमारी त्वचा ख़राब हो जाती है ना, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और यहाँ पे मैं थोड़े से रह गए थे दही, तो मैंने हाथों में भी लगा लिया, और इस तरह से आप अपने चेहरे को सुंदर बना सकते हैं। सो गाइज आप बताइए हमारी वीडियोस आप सबको कैसी लगती है, तो मैं डेली डेली ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी और ब्यूटी टिप्स भी लाऊँगी। के बाद मैं आ गई थी मंदिर में, सो मैंने सबसे पहले लक्ष्मी जी की पूजा, और मेरे पूजा होने के बाद मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है गाइज। और इसके बाद सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाती हूँ। क्या आप लोग को पता है सूर्यदेव को जल चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है? और यहाँ पे जो मैंने तुलसी जी लगाई उनकी भी पूजा की, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और नहाने के बाद मैंने बाल शैम्पू किया था, तो मेरे बाल गीले थे, तो पूजा करने के बाद मैंने अपने बालों को कंघी किया, और शैम्पू करने के बाद बहुत अच्छा सा फील आता है। ये देखिए गाइस आ गए, और बड़ों को नमस्कार बोलो, छोटों को प्यार बोलो, नमस्कार बड़े अंकल आए, नमस्कार। हाँ, कैसा रहा आपका दिन आज, कैसा रहा, कैसा रहा स्कूल का दिन आपका? सोच रहा हूँ कुछ अच्छा नहीं रहा क्या? गाइज या बाबू पे ना मेरा एक्स्ट्रा वर्क पड़ गया है, ये मॉडल की भी तैयारी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। जब मैं जाती हूँ तो 10 मिनट लेट छुट्टी इनकी होती है हमेशा, तो ये क्या रहते हैं, लैब में रहते हैं, मॉडल साइंस मॉडल में इनका है, तो वहीं दिखाई देता है। बहुत एक्स्ट्रा मेरा बेटा करता है, थोड़ी सी शैतानियाँ कर रहा है, बट पढ़ने में तो सही है। थोड़ा सा ज़िंदगी की पढ़ाई सीखनी ज़रूरी है बेटे को, ज़िंदगी के तौर तरीके कैसे बातचीत करना है बड़ों से, है ना? ये चीज़ें सीखोगे ना, प्रॉमिस करो मम्मा से आज के बाद अच्छे से रहोगे, रहोगे ना, किसी को भी अच्छे से बोलोगे, ठीक है, प्रॉमिस। तो खाना ले आए, मम्मा को तो आज फास्ट है, मम्मा तो खाएगी। गाइज आज मैं फास्ट हूँ लक्ष्मी जी का, तो ये मेरे आलू भी खाएगा, तो पहले आप अपना खाना खा लो, फिर मैं आलू भी दे दूंगी आपका। मम्मी तो बिना ना, गाइज मैं बिना नमक वाला खा रहा हूँ। देखिए गाइज मैं अपने व्रत के लिए सिर्फ आलू फ्राई करती हूँ, और ये मैं ऐसे खा लेती हूँ, और कुछ चीज़ें ना खाया नहीं जाता है, तो मैं हर ब्लॉग में चीज़ें बताया करती हूँ। तभी मैं बेटे के लिए खाना निकालती हूँ। तो गाइस आज मैं सोच रही हूँ कि रात के खाने की अलग ही बनाऊँ, क्योंकि एक खाना खाना भी बोर हो जाता है ना। मैं सोच रही हूँ ना रात में बनाऊँ वो चने दाल की फरी, तो चने दाल के फरे आप सब ने खाया है नहीं खाया, तो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखिएगा, उसमें मैं दिखा तो रात में बनाऊंगी, तो अगली वीडियो में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चने दाल है, इसको मैं हिसाब से भी बोल रही हूँ, ये मेरे बेटे को बहुत
सो गाइज, आप सबको पता ही है कि आज मेरा फास्ट है और आज मैं कोर्ट भी नहीं गई, मैं व्रत वाले दिन नहीं गई कोर्ट, तो अभी मैं आलू फ्राई और दही खा रही हूँ। सो गाइज, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मेरी वीडियो पे ना जल्दी से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइज़।